शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनावों का अंतिम चरण शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हो गया। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 के कम्युनिटी सेंटर में कालका लोकसभा व राज्य के प्रधान पदों के लिए मतदान हुआ। इंडियन यूथ कांग्रेस के असेंबली रिटर्निंग ऑफिसर मनदीप सिंह ने बताया कि पंचकुला में 9 हलकों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें की लोकसभा अम्बाला, विधानसभा कालका व राज्य प्रधान के 5 बूथों के लिए चुनाव पहले ही हो चुके हैं, जबकि 3 बूथों के लिए चुनाव आज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा के लिए 8 प्रत्याशी, विधानसभा कालका के लिए 5 एवं राज्य प्रधान के लिए 40 प्रत्याशी मैदान में हैं। हर एक असेंबली दे विच एक प्रेसिडेंट बनाया जाऊगा, लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे लोकसभा दे, ते पूरी स्टेट का एक प्रेसिडेंट, मतलब कि स्टेट की कमेटी बनी 10 जन की, 10 की कमेटी विधान लोकसभा की, 10 की कमेटी विधानसभा की। जिहड़ी लोकसभा साढ़े कोल है जी अंबाला, इहदा रिजल्ट अज शाम नूं क्लीयर हो जाऊगा। बहरहाल लोकसभा व विधानसभा के वोटों की गिनती शुक्रवार को अंबाला में होगी, वहीं शनिवार को राज्य प्रधान के चुनावों का परिणाम घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।